हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आज हम एक कमेंट पे बात करेंगे। ये कमेंट किया था रिंकू बेहरा जी ने। क्या फैलोपियन ट्यूब बंद होने से पीरियड नहीं आते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट लगा मुझे और इस पर Q&A में जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए ऐसा मुझे लगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक टुडे। बिफोर दैट आई एम प्लानिंग Q&A वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है तो हैशटैग आस्क डॉक्टर मृणालिनी मनोज लिखकर कमेंट में लिखिएगा ताकि जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। एंड उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे नए व्यूअर्स के लिए मेरा इंट्रोडक्शन। मायसेल्फ डॉक्टर मृणालिनी मनोज, आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। डॉक्टर मृणालिनी मनोज इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। सो कंसिडर टू सब्सक्राइब। आज का सवाल, क्या फैलोपियन ट्यूब्स बंद होने पर पीरियड आते हैं या नहीं? जो लोग नहीं जानते हैं फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है, उनके लिए महिलाओं के शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती है। इन फैलोपियन ट्यूब्स को हिंदी में गर्भवाहक नलिका या फिर बीजवाहक नलिका भी कहा जाता है। कहाँ पर होती है ये बीजवाहक नलिका? जी हाँ, ये बीजवाहक नलिका लोअर एब्डोमेन में होती है। गर्भाशय के आजू बाजू में 2 फैलोपियन ट्यूब्स राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इस तरह से होती है। गर्भाशय के साथ अंदर से ये फैलोपियन ट्यूब्स जुड़ी हुई होती है और उनका जो दूसरा एंड होता है वो अंडाशय के पास होता है। अंडाशय से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अंडाशय के सिर्फ पास होता है और वो खुला होता है। जो एंड अंडाशय के पास होता है वहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसे फिमरियल एंड भी कहा जाता है। क्या काम होता है इन फैलोपियन ट्यूब्स का? जब भी कोई कपल्स रिलेशन रखते हैं उसके बाद पुरुषों के स्पर्म्स को स्त्री बीज तक पहुंचाना, ये काम इस फैलोपियन ट्यूब्स का होता है। दूसरा काम होता है इसी फैलोपियन ट्यूब का जो एम्प्यूला पार्ट होता है वहाँ पर इस स्त्री बीज और पुरुष बीज इन दोनों को एक दूसरे के साथ फलित होकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पर एक छोटे से बच्चे की निर्मिति होती है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तीसरा काम होता है, अगर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो छोटा सा बच्चा तैयार हुआ है उस बच्चे को फिर से बहते हुए गर्भाशय तक लाना, ये काम भी फैलोपियन ट्यूब्स का होता है। क्योंकि बच्चे को पूरे 9 महीने तक बढ़ने के लिए जो जगह और जो पोषण चाहिए होता है वो गर्भाशय में मिलता है, वो ट्यूब्स में नहीं मिलता है। तो ये जो ट्यूब्स में बना हुआ बच्चा है वो गर्भाशय में लाने का काम भी फैलोपियन ट्यूब का ही होता है। तो ये हो गए 3 काम फैलोपियन ट्यूब्स के। जो कमेंट में क्वेश्चन था उसका आधा पार्ट यानी फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में हमने जाना, अब हम पीरियड्स के बारे में जानेंगे। पीरियड्स को हम मेडिकल टर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। लेमैन लैंग्वेज में इसके कई सारे नाम है, पीरियड्स आना, महीना आना, महावारी आना, पारी एने, महीने के वो दिन, MC आना, इस तरह के कई नाम होते हैं। आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। महिलाओं में पीरियड्स क्यों आते हैं या फिर MC क्या होता है, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, जाके जरूर देख लेना। पीरियड्स आने के लिए बेसिकली 4 हॉर्मोन्स बहुत ही इसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से वो है हॉर्मोन्स? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, FSH एंड LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये चारों ही हार्मोन एक साथ काम नहीं करते, महीने के अलग अलग दिनों में अलग अलग हार्मोन काम करता है और ये पूरा काम उनका साइक्लिकल मैनर में होता रहता है। इन 4 हार्मोन्स में से जो 2 हार्मोन है FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन जो ब्रेन में एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या फिर पीयूषिका ग्रंथि कहते हैं, उसमें से ये हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं। ये हॉर्मोन्स जाकर महिलाओं की जो ओवरी होती है, अंडाशय होते हैं, वहां पर काम करते हैं। अंडाशय इन हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करके और 2 हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है, वो हॉर्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसी के साथ साथ ये चारों हॉर्मोन्स मिलकर गर्भाशय की जो अंदरूनी परत होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ पे खून की अच्छी गद्दी तैयार होती है। इन चारों हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करके गर्भाशय में एक गद्दी तैयार की जाती है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये गद्दी। वहाँ पर आके बच्चा, जो मैंने कहा फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ट्यूब में बच्चा बनता है, तो वो बहते हुए कहाँ आएगा? गर्भाशय में आएगा। गर्भाशय में आने के बाद इसी गद्दी पर, खून की गद्दी पर ये बच्चा चिपकता है और इसी खून से उसको पूरा पोषण 9 महीने तक मिलते रहता है। तो ये गद्दी बनना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बच्चे की तैयारी नहीं होती है, तो ये गद्दी फिर आगे नहीं बढ़ती और प्रेगनेंसी नहीं है इस बात का जब सिग्नल बॉडी को मिलता है, तो गर्भाशय ये सारी गद्दी बनी हुई खून की बाहर निकाल देता है जिसे हम कहते हैं पीरियड्स आए हैं। अब बात करते हैं अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो सिचुएशन कैसी बनती है। जी हाँ,
अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, बंद है, तो वहां पर स्पर्म्स यानी शुक्राणु श्रीबीज तक नहीं जा पाते हैं, राइट। तो अगर श्रीबीज और शुक्राणु एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो बच्चे की तैयारी नहीं होगी, बच्चा तैयार नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, और अगर प्रेगनेंसी नहीं रहेगी तो पीरियड्स आ जाते हैं। मतलब फैलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक है या फिर खुली भी है तो उसका पीरियड्स आने से कोई संबंध नहीं होता है। जी हाँ, अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक भी है तो पीरियड्स आते हैं यानी आने चाहिए। अगर किसी के फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है या फिर बंद है तो ऐसी लेडीज में भी पीरियड्स आते हैं। जी हाँ, पीरियड्स आने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स का उतना रोल नहीं होता है। पीरियड्स वक्त पर रेगुलरली आने के लिए ये चार हॉर्मोन्स ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर ये चार हॉर्मोन्स नॉर्मल है, हॉर्मोन्स का कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, तो पीरियड्स रेगुलर आने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि गर्भाशय या ओवरी से जुड़ा हुआ कोई भी बीमारी आपको नहीं होना चाहिए। जैसे अगर गर्भाशय में एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस या फिर ओवरी से जुड़ा हुआ PCOD, PCOS, ओवेरियन सिस्ट, अगर इस तरह से कोई भी आपको बीमारी है तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। लेकिन फैलोपियन ट्यूब्स ओपन हो या फिर ब्लॉक हो, उसका पीरियड आने से कोई भी संबंध नहीं होता है। और जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो उसका वक्त हो चुका है। आपने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन सुना होगा। जी हाँ, कई लोग इसे महिलाओं की नसबंदी भी कहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि महिलाओं की ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है, इन्हें बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन में इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में हम लोग ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। जिन महिलाओं का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है, उनमें भी पीरियड्स आते रहते हैं, ऑपरेशन के बाद भी उनके पीरियड्स आते रहते हैं। तो इसका मतलब इन ट्यूब्स का ब्लॉक होना या बंद होना, इससे पीरियड्स का आना या नहीं आना कोई भी संबंध नहीं होता है। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक भी है या फिर बंद भी है तो भी आपको पीरियड्स आते हैं, आने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो उसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, उसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। आई होप रिंकू जी और आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपके कई सारे डाउट्स और क्लियर हो गए होंगे। बिफोर साइनिंग ऑफ मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, आई एम प्लानिंग Q&A वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल है तो #AskDrMrunalini लिखकर कमेंट में लिखिएगा, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। आगे पूरा एक सीरीज लेकर आ रही हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का, उससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।